तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में फिर से कमाल के टॉपिक लेके आ चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में सबसे से बात करने वाला हूँ कि आप जो अपने मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसे कैसे कर सकते हैं कुछ पैसे बचा के। तब बहुत सारे लोग मोबाइल रिचार्ज करता है, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ फोन पे में जाके मैं अपना। तो मैंने फोन पे को ओपन कर लिया है, आपके सामने लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। उसके बाद वो क्या कहना है, मोबाइल रिचार्ज में चल जा रहा है। सबसे पहले मतलब 100% 99% लोग इस तरह से रिचार्ज करते हैं। मैं जैसे कि अपना रिचार्ज जो है यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं जैसे कि रिचार्ज वाले ऑप्शन में चले गया, उसमें मुझे इतना सारा प्लान आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सारा प्लान आ चुका है। तो इससे पे मैं कोई सा भी मतलब रिचार्ज कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, और मुझे एक रुपये भी प्रॉफिट नहीं होंगे आपके सामने। अगर आप लोग भी कहते हैं आपको एक रुपये प्रॉफिट नहीं होंगे, तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला आप रिचार्ज करके कुछ पैसे कैसे बचा सकते हैं। 10 से 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये हर रिचार्ज में आपको कैशबैक के तौर पर मिलेगा और ऑफर लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा पता है, इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए फ्लिपकार्ट की जरूरत। आप लोग बोलेंगे ये क्या है, तब फ्लिपकार्ट में भी एक ऑप्शन आ चुका है रिचार्ज करने का। सो आप 10 रुपये तक बचा सकते हैं हर रिचार्ज में, 10 से 20 रुपये तक। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मैं अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पर आपके सामने लाइव आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जाके ये वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा, मैं बरस अपना निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये वाले ऑप्शन में चले जाना है। ये वाले ऑप्शन में नीचे में दिख रहा होगा, मैं जैसे ही ये वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया, उसके बाद वो क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करने से कुछ नहीं करना। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको इस तरह से करना है, आपको मोबाइल रिचार्ज होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा कुछ ऑफ पैसे बचा के। आपको इसको स्क्रॉल करना है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आता होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुपर कॉइन का रहा ऑप्शन, मनी का रहा ऑप्शन, मोबाइल न्यू रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट की ओर से न्यू रिचार्ज का ऑप्शन, आप ये वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करिएगा, यहाँ पर बता देता हूँ। अब जैसे ही ये वाले ऑप्शन में क्लिक करिएगा, उसके बाद थोड़ा सा मतलब कुछ लोडिंग ले रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, जो मैं फिलहाल खाते अपना हाइड करके रखा हूँ। अब जैसे ही मोबाइल नंबर शो होगा, उसके बाद आपको एक नीचे में ऑप्शन मिलता होगा ये परांस ऑफर का, ये वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद इंटर मोबाइल नंबर भी यहाँ पर सब डाल सकते हैं, किसी और का मतलब करना है आपका नहीं करना, और किसी का करना चाहते हैं रिचार्ज तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से भी आप अपना दूसरे का रिचार्ज कर सकते हैं कुछ पैसे बचा के। उसके बाद मैं अपना ही रिचार्ज करूँगा, तो ये वाले ऑप्शन में क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे ही वाले ऑप्शन में क्लिक किया, फिर कुछ थोड़ा सा फिर से कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर से मेन स्टार्ट होता है, यहाँ पर सुपर कॉइन का आगे ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर 239 लोग रिचार्ज करते हैं, उसे 10 रुपये कम हो गए, देख सकते हैं 229 में रिचार्ज हो गया। 239 का रिचार्ज करिएगा, आपको कितना लगेगा पेमेंट, सिर्फ 229 रुपीज़, यानी कि आपका 11 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग रिचार्ज कर देते हैं अपना, दूसरे का तो कुछ प्रॉफिट वोफिट नहीं होता, जो सिर्फ पैसा कटता है और 2 रुपये ज़्यादा कटता है, 1 रुपया भी नुकसान में रखते हैं। आजकल क्या होता है पता है, 2 रुपये ज़्यादा लगता है रिचार्ज करना है, फ़ोन पे चार्ज करता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना पड़ेगा। ये प्लान में अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी अपना है। यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि एडिट वाला ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर में, अपना मोबाइल नंबर एडिट वेडिट करके सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर सुपर कॉइन का ऑप्शन है, और यहाँ पर ये सुपर कॉइन में कितना है, 77 को ये सुपर कॉइन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद मेरा रिचार्ज कितना होगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, 229 रुपीज़। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, उनका फोन पे का जो पासवर्ड आता है MPIN वो डाल के आपको रिचार्ज कर लेना है। इस तरह से आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।